हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मैप इन एपेक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने मैप डेटा स्ट्रक्चर या फिर मैप डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करा था। तो मैप जो डेटा टाइप है वो भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है, जैसे हमारे पास लिस्ट और सेट्स होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम मैप को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसमें एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मैप डेटा टाइप के जो भी मेथड्स हैं इन सेल्सफोर्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैप एक क्रिएट कर लेता हूं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करा था। तो मैप क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मैप कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके बाद यहां पे हम की और वैल्यू की जो डेटा टाइप है उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सपोज जो मेरी की है वो इंटीजर टाइप की है और जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप की है, सॉरी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है और जो मेरी की है वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने डेटा टाइप अपने मैप का नेम लिख देता हूँ, लेट्स से माई मैप। उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा और उसके बाद फिर से इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो मैप है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें अगर मुझे एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम पुट मेथड का यूज करते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। यहाँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई मैप डॉट पुट और इसमें हम पहले की पास करते हैं, लेट्स से मैंने 1 पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया ABC। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे एलिमेंट इसमें ऐड कर देता हूँ मैप में, तो इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने की पास कर दी 2 और यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया XYZ, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट डीबग और यहाँ पे लिखूंगा सिंपल, इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। लेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया माई मैप, सिंपल इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैं डीबग ओनली करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैप के जो मेथड्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैप के मेथड्स देखने के लिए हम यहाँ पे सिंपल गूगल सर्च करेंगे मैप क्लास इन एपेक्स, ठीक है, मैप क्लास इन एपेक्स। मैंने मैप में डबल P डाल दी, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास मैप क्लास आ जाएगी और ये developer.salesforce.com की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें जो भी फंक्शंस हैं वो हम 1 by 1 को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सारे फंक्शन हम नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो हम 4-5 फंक्शंस हैं जो वो उनको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं मैप के और नीचे इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो दी गई है, ठीक है। जैसे ये डीप क्लोन है तो इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है और इसका जो यूसेज है, जो एग्जांपल है वो भी नीचे दी हुई है। तो आप यहाँ से सारे मेथड्स को आप जो है वो रीड कर सकते हो और उनको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो मेथड है वो यहाँ पे मैं देखूंगा क्लियर मेथड, तो रिमूव्स ऑल ऑफ द की वैल्यू मैपिंग फ्रॉम द मैप, ठीक है। तो जो क्लियर मेथड है वो क्या करता है, जो भी मैप के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो यहाँ पे पहले मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कर दूँ माय मैप डॉट और यहाँ पे क्लियर फंक्शन का यूज़ करूँ, ठीक है, क्लियर फंक्शन का यूज़ करके फिर से अगर मैं अपने मैप को डिस्प्ले करवाऊँ, प्रिंट कराऊँ और यहाँ पे मैं अब स्ट्रिंग पास कर दूंगा मैप आफ्टर कॉलिंग क्लियर मेथड, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस डाल दिया और यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल डाल दिया जो कि ये कंकैटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं इन एपेक्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब मैं अगर इसको अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे डीबग ओनली करूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैप आफ्टर कॉलिंग क्लियर मेथड, तो इसमें कोई भी एलिमेंट अब नहीं है, ठीक है। पहले इसमें ये देखो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि जो क्लियर मेथड है उसने क्या किया, मैप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया,
ठीक है जी। तो ये है हम ऐसे क्लियर मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज क्लोन मेथड, तो मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ मैप। ठीक है, तो अगर मुझे किसी मैप की डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करनी है तो यहाँ पे मैं सिंपल क्लोन मेथड का यूज करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा जो भी मेरा मैप है। ठीक है, तो अब क्लियर मेथड को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। मेरे मैप का नेम क्या है, माई मैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा मैप का। तो यहाँ पे लेट से मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने न्यू मैप, यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू मैप। ठीक है, अब इस न्यू मैप में मैं क्या करूँगा, न्यू मैप में मैं जो मेरा माई मैप है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इसमें पास कर दूंगा। मतलब कि उसकी जो कॉपी है, जो न्यू मैप है, वो मेरे माई मैप की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई मैप डॉट क्लोन। ठीक है, माई मैप डॉट क्लोन। तो अब जो भी माई मैप के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो न्यू मैप के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अब न्यू मैप को प्रिंट करवा दूंगा इसके बाद। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा न्यू मैप इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू मैप। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट, यहाँ पे मुझे वो भी करना पड़ेगा कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो हमारा जो है कोड वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं डीबग ओनली करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू मैप में भी सेम ही डेटा आ गया है, 1ABC 2XYZ। ठीक है, तो न्यू मैप में भी हमारा सेम डेटा ही आ गया है। तो अगर मुझे किसी भी मैप की कॉपी क्रिएट करनी है या फिर उसके एलिमेंट्स को डुप्लीकेट करना है किसी न्यू मैप में, तो मैं क्लोन फंक्शन का यूज करूँगा। ठीक है, तो ये यूज है हमारा क्लोन फंक्शन का। उसके बाद क्या है, हमारा कंटेन्स की, रिटर्न ट्रू इफ द मैप कंटेन्स अ मैपिंग की फॉर द स्पेसिफाइड की। तो कंटेन्स की फंक्शन क्या करता है, अगर लेट्स सपोज मुझे चेक करना है कि मेरे मैप के अंदर ये वाली पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ, जैसे मेरे माई मैप के अंदर कौन कौन सी कीज है, 1 है और 2 है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे मैप के अंदर जो 1 की है या फिर जो 2 की है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो यहाँ पे मैं कंटेन्स की फंक्शन का यूज करूंगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट डीबग और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माई मैप डॉट फंक्शन, कौन सा है हमारा, की कंटेन्स है या कंटेन्स की है, कंटेन्स की। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, कंटेन्स की। तो इसके अंदर मैं की पास कर दूंगा। अब लेट्स सपोज मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो टू की है वो मेरे माई मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हमारे केस में ये करती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। और यहाँ पे मैंने डीबग ओनली करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि जो 2 की थी वो हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती थी। अब ऐसे ही अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई ऐसी की पास कर दी जो हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया, अब 10 हमारे मैप के अंदर जो की है वो नहीं है, तो यहाँ पे अब क्या करेगा, ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा। फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया की कंटेन्स की फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो हम कोई और फंक्शन उठाते हैं। अब लेट्स सपोज, हाँ, तो यहाँ पे हम साइज भी चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मैप का साइज क्या है। ठीक है, तो साइज चेक करने के लिए इनको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, हम सिर्फ सिंपल साइज फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा
प्रिंट करवा देते हैं माई मैप डॉट साइज, माई मैप डॉट साइज, ठीक है। तो हमारे मैप का जो भी साइज होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे मैप में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे मैप का साइज कितना है, टू है। तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे डीबग ओनली करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टू प्रिंट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे मैप का साइज कितना है, टू है, ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है लेट्स सपोज वैल्यूज मेथड। तो वैल्यूज मेथड क्या करता है, रिटर्न अ लिस्ट दैट कंटेन्स ऑल दी वैल्यूज इन दी मैप। अब वैल्यूज ये देखो, मैंने आपको बताया था कि मैप क्या होता है, मैप इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो सब जो एक एलिमेंट है उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एलिमेंट की होती है, और जो उसका सेकेंड पार्ट होता है वो होती है एलिमेंट की वैल्यू। तो लेट्स, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मैप के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो भी सारी वैल्यूज हैं अगर मैं उनको गेट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं वैल्यूज फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई मैप डॉट वैल्यूज, है ना, माई मैप डॉट वैल्यूज। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि फंक्शन का नेम, हाँ वैल्यूज, ठीक है। तो अभी हमारे मैप में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक ए बी जी है और एक एक्स वाई जी है, तो दो वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल मुझे सिर्फ वैल्यूज ही प्रिंट करवा के देगा, उनकी कीज प्रिंट नहीं करवाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे मैंने डीबग ओनली करा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल मेरे पास सिर्फ वैल्यूज ही आई है, ए बी सी आई है और एक्स वाई जी आई है, ठीक है, वन और टू यहाँ पे कीज मुझे जो है वो प्रिंट नहीं हुई। तो जो डॉट वैल्यूज फंक्शन है वो क्या करता है, सिंपल मैप की जो वैल्यूज हैं उनको ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हम और कोई मेथड देख लेते हैं, ये पुट मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा गेट की मेथड देख लेते हैं, रिटर्न दी वैल्यू ऑफ, रिटर्न दी वैल्यू टू विच दी स्पेसिफाइड कीज मैप्ड। तो ये भी हम देख चुके हैं, गेट फंक्शन भी हम देख चुके हैं, ठीक है। गेट फंक्शन ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगर हम किसी स्पेसिफाइड की वैल्यू को एक्सेस, की वैल्यू को फेच करना चाहते हैं तो हम गेट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये बाकी सारे ये फंक्शन हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जाके इन फंक्शन को चेक कर सकते हो, इनको डिटेल में रीड कर सकते हो, और इनकी जो एग्जाम्पल हैं वो भी नीचे दी गई हैं, तो आप उनको भी रीड आउट कर सकते हो और आप इसको खुद भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है जी। तो इसकी जो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जाके चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू।